हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स पेपर के बारे में। मैथमेटिक्स के बेसिक पेपर को डिस्कस करेंगे हम, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड का सेक्शन बी अपलोड किया था, और उससे पहले वाली वीडियोस में मैं सेक्शन ए बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही पेपर्स के सेक्शन ए को अपलोड कर चुका हूँ। इस वाली वीडियो में मैं सेक्शन बी डिस्कस करूँगा, बेसिक मैथमेटिक्स पेपर क्लास 10 का। तो सेक्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक है, और इसमें जो है दो दो नंबर के सवाल थे। तो पहला सवाल जो था वो था, डिवाइड करना था हमें 2x² - x + 3 को 2 - x से, और उसके बाद हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर को लिखना था। तो इसको आप जो है इस तरह से डिवाइड कर सकते थे। तो हमें 2 - x दिया था, उसको अगर x - x + 2 लिख के आप डिवाइड करते तो आपको आसानी से जो है क्वोशेंट मिल जाता। ये रहा क्वोशेंट और ये 9 इसका रिमाइंडर है। तो यहां पे मैंने जो है डिवीजन परफॉर्म करके दिखाई, आप इसको देख सकते हैं किस तरह से डिवीजन को करना था। आप x - 2 से भी कर सकते थे, मतलब किसी भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर सेम आना चाहिए था, जैसा कि मेरा आया है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, उसमें प्रूव करना था हमें 1 upon 1 plus sin theta + 1 upon 1 minus sin theta = 2 secant square theta। 2 marks का क्वेश्चन था, इसको आपको प्रूव करके दिखाना था। तो देखिए मैंने किस तरह से इसको किया है। जो वैल्यूज थी हमें दी गई थी, मैंने क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर, इसको इधर और इनको आपस में। तो इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह की वैल्यूज मिलेंगी। और इसमें आप क्या देखेंगे कि यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ प्लस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 और 1 ऐड होके 2 बन जाएगा, और 1 plus sin theta और 1 minus sin theta, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a + b * a - b, ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है आसानी से। तो इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² - b² का। तो हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया a² - b², तो ये बनेगा 1 - sin² थीटा, 1 - sin² होता है cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, secant स्क्वायर। तो 2 और जो नीचे cos स्क्वायर था, secant स्क्वायर कहाँ आएगा, फिर ऊपर आएगा। तो इस तरह से आप 2 secant² थीटा पे पहुंच जाते, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था। इस तरह से जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना था आपको। इसी के और में एक क्वेश्चन गिवन था हमें, गिवन ये था कि 1 - tan² θ upon 1 plus tan² θ = cos² θ - sin² θ। तो इसको आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से भी सोल्व कर सकते थे, टेन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर लगाकर। मैंने इसको राइट हैंड साइड से सोल्व किया है। तो मैंने क्या किया, देखिए राइट हैंड साइड को उठाया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। तो कोस स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन लिया तो यहां से बाहर आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ 1। साइन स्क्वायर थीटा के साथ कोस स्क्वायर नहीं था, तो जब भी हम कॉमन लेते हैं जिसके पास नहीं आता उसके डिवाइड में चला जाता है, तो कोस स्क्वायर थीटा नीचे चला गया। अब क्या बना हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 - sin² / cos², और साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या बनेगा, टेन स्क्वायर, उसकी जगह मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 1 - tan² θ, और कोस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा ऊपर था तो सीकेंट स्क्वायर उसका रेसिप्रोकल होता है, वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 plus tan² θ, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 plus tan², ये प्रूव हो गया। अगर आप चाहते तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट करके राइट हैंड साइड तक पहुंच सकते थे, तो भी आपका आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें कहा गया था इन अ फैमिली ऑफ 3 children, एक फैमिली है उसमें 3 बच्चे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 2 boys, तो कम से कम 2 लड़के होने की क्या चांसेस हैं, वो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। तो इसको मैंने क्या किया, पहले सैंपल स्पेस लिख लिया। देखिए तो 2 chances हैं, या तो बॉय हो सकता है गर्ल, तो टोटल 3 children थे, टोटल 8 chances बनते हैं, वो सारे के सारे चांसेस मैंने यहां पे लिख लिए हैं।
प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। हमें था एटलीस्ट टू बॉयज, दो या दो से ज्यादा बॉयज, तो वो कितने बनते, चार बनते और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एट, तो फोर बाय एट वन बाय टू आ जाता। और इसके और में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलिए जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। और में क्या था, टू डाइस आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, हमने क्या किया दो डाइस को फेंका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ साइड बोथ द डाइस, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि बोथ डाइस पे इवन नंबर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैंने पहले सैंपल स्पेस लिख लिया, देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, फर्स्ट डाई पे वन, सेकंड पे वन, फर्स्ट पे वन, सेकंड पे टू, ऐसे ही फर्स्ट पे वन, सेकंड पे थ्री, ये सिक्स तक चलेगा, ऐसे ही फर्स्ट पे टू, सेकंड पे वन, फर्स्ट पे टू, सेकंड पे टू, ये भी सिक्स तक चलेगा। ऐसे मैंने सैंपल स्पेस लिख लिया, कुल मिला के 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। तो हमें इवन नंबर चाहिए था बोथ डाइस पे, तो वो मैंने चांसेस लिख लिए सारे, देखिए 2.2 हो सकता है, 2.4 हो सकता है, 2.6 हो सकता है, या फिर 4.2, 4.4, 4.6, या 6.2, 6.4, 6.6। तो कुल मिला के नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बनेंगे 9, टोटल इवेंट्स हमारे यहाँ 36, तो ये 1/4 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछा गया था सम ऑफ टू नंबर्स मोर देन 9, तो दो नंबर्स डाइस वाले अगर उनका सम किया जाए तो मोर देन 9 आए, तो मैंने वो सारे के सारे इवेंट्स लिख लिए हैं। 5, 5 देखिए, तो प्लस करेंगे इतना आएगा 10 आएगा 9 से बड़ा, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 4 या 4, 6, इन सभी केसेस में सम ऑफ जो नंबर्स होगा वो ग्रेटर देन 9 होगा। तो ये कुल मिला के 6 इवेंट्स बनते हैं और टोटल कितने हो गए 36, तो 6/36 1/6 आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में हमें कहा गया था एक लॉटरी है और देयर आर 10 प्राइजेज एंड 25 ब्लैंक्स, तो उस लॉटरी में 10 प्राइजेज हैं और 25 ब्लैंक हैं, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, एक प्राइज के मिलने की क्या संभावना होगी। तो देखिए इसका आंसर सिंपल से था कि टोटल प्राइजेस के चांसेस कितने हैं 10 और टोटल इवेंट्स क्या है 25 प्लस 10 35, तो 10/35 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में क्या गिवन था हमें कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और उसके अंदर सर्कल को बनाया गया था, यानी कि ट्राइंगल जो है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है, और ये दिया गया था कि ये जो है पॉइंट पी, क्यू और आर को टच करती है। तो इस तरह से मैंने पहले फिगर बना ली और गिवन लिख लिया, क्योंकि जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं तो अगर आप गिवन वगैरह लिखते हैं तो अच्छा एक्सप्रेशन जो है क्रिएट करते हैं आप चेक करके ऊपर। प्रूफ क्या करना था हमें कि पी जो है बाइसेक्ट करेगी बीसी को, तो ये रहा प्रूफ। देखिए तो ए बी इज इक्वल टू, पहले मैंने क्या किया जो गिवन था क्वेश्चन में, गिवन था ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो मैंने पहले ए बी सी ट्राइंगल बनाई, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इनके आमने सामने एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं इसलिए। उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए मुझे बाइसेक्ट करना था पी को, बी सी को पी द्वारा, तो मैंने क्या किया ये ट्राइंगल्स कंसिडर की और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश की। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही बीपी इज इक्वल टू पीसी हो जाएगा, यानी कि पी बाइसेक्ट करेगा बीसी को। तो मैंने कॉन्ग्रुएंट किस तरह से प्रूव की, देखिए पहला तो ये एंगल 90 हो जाएगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस, तो एंगल बन जाएगा 90। पहली चीज हमें मिल गई कॉन्ग्रुएंसी के लिए, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी 90 डिग्री। दूसरी चीज देखिए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, अगर आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं कैसे, ये 90, ये 90, ये कॉमन, ये ओपी इज इक्वल टू ओआर। तो दो मार्क का क्वेश्चन था, मैंने सिंपली बस लिख दिया कि ट्राइंगल ये दोनों की दोनों क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे
एंगल आर बी ओ और एंगल पी बी ओ। तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा। इस चीज़ को यूज़ करते हुए मैंने जो है ये शो कर दिया कि एंगल बी का हाफ और एंगल सी का हाफ भी इक्वल होगा। तो एंगल बी का हाफ करेंगे अगर हम तो क्या बनेगा, एंगल ओ बी पी और इसी तरह इधर से ओ सी बी। तो दूसरी चीज़ मैंने इस एंगल को इक्वल की, और तीसरी चीज़ ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, ये एंगल्स इक्वेट कर दिए, तो अगर एंगल्स इक्वल हैं तो आमने सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी इक्वल, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और तीसरी चीज ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन। इस तरह से ट्राइंगल ओ पी बी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ पी सी के आर एच एस के थ्रू, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बी पी इज इक्वल टू पी सी बाय सी पी सी टी, और अगर बी पी इज इक्वल टू बी सी है पी सी है तो हम कह सकते हैं कि P बाइसेक्ट करेगा BC को। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, थोड़ा सा ही ट्रिकी था। इसमें मैं ये कहा गया था कि हमारे पास एक सर्कल है, उसकी जो रेडियस है वो 17.5 है और जो आर्क लेंथ है वो है 44 सेंटीमीटर। हमें जो है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था इसका। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको पहले थीटा की वैल्यू निकालनी थी कि यहाँ पे जो एंगल है ये कितना बन रहा है। तो मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन था 44, यहाँ वैल्यूज पुट करी और वैल्यूज पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये आएगा 144 डिग्री। उसके बाद क्या किया मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई किया और एरिया ऑफ सेक्टर इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो ये था सेक्शन बी। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया होगा और आप सभी के सेक्शन बी के आंसर्स मैच कर रहे होंगे। अगर आपने कुछ अलग आंसर्स लिखे हैं तो प्लीज़ हमें रिप्लाई भी कीजिए कमेंट बॉक्स में, हमें बताइए किस तरह से आपने अटेम्प्ट किया है, ताकि हम आपको बता सकें कि आपने जो किया है वो सही हो सकता है, आपको कैसे नंबर मिलेंगे ये सब। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन हो सके तो रीज़न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले सेक्शंस, आगे आने वाले एग्जाम्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।